देख के पता चली गया होगा कि किस चीज के लिए आज वीडियो है। सो आज मैंने करा है नेल एक्सटेंशन घर पे, ओनली 10 मिनट। I can't get no peace of mind. Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family, and a place to stay. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ प्रीति। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपने घर पे 10 मिनट्स में फटाफट से इतने प्यारे नेल एक्सटेंशन कैसे करने। सो बढ़ेंगे आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको नेल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे नेल्स, जो कि मैंने अपने अमेजन हॉल में आप लोगों के साथ शेयर किया था। 190 का ये मुझे पड़ा था। इसके साथ मुझे ग्लू भी मिला है। इसमें 100 पीसेज, इसमें 100 पीसेज हैं और बहुत ही अच्छा है यार। मतलब यू नो, आपका बहुत टाइम चल जाएगा, मतलब पैसा वसूल जिसे बोलते हैं ना, वो ये प्रोडक्ट है। और ये बिल्कुल खराब भी नहीं है। ये जो आप प्रोफेशनली यू नो, जो सैलून में आप जाते हैं, सैलून में जो आपके नेल एक्सटेंशन होते हैं, सेम वही नेल्स हैं, क्योंकि मैंने लगाए हैं और मैंने नेल एक्सटेंशन भी सैलून में कराया है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि सेम नेल्स हैं, बिल्कुल सेम। फ्रेंच वाले दूसरे होते हैं, बट जो नॉर्मल वाले नेल्स होते हैं वो यही होते हैं जब हम एक्सटेंशन करवाते हैं। और इसके साथ एक ग्लू मिला है सावनी का, यू नो सावनी ये ब्रांड है, सावनी का ये नेल ग्लू और नेल्स हैंगे। तो अब खोलते हैं हम नेल्स की पैकेजिंग। वैसे मैं खोल चुकी हूँ, बट आप लोगों के साथ रिव्यू नहीं शेयर किया था। ये है सावनी का, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और इसमें लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड अलग अलग साइज के नेल्स हैं। 50 आपके लेफ्ट हैंड के लिए और 50 आपके राइट। देख सकते हैं आप कौन से आपको फिट बैठते हैं। तो ये जो फेक नेल्स हैं ये आपके परमानेंट नहीं रहते हैं, यानी परमानेंट तो वैसे कोई भी चीज़ नहीं रहती। जो आप सैलून से भी करवा के आते हैं वो भी आपका 15 या 20 दिन बाद निकल जाते हैं। और ये जो आप घर पे भी लगाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ग्लू की क्वालिटी, डिपेंड करता है इन नेल्स पे कि ये कितने टाइम रहेंगे और नहीं रहेंगे। अगर आप कोई भी सा भी ग्लू यूज़ कर लेंगे तो वो जल्दी निकल जाएंगे। जैसे कि आप किसी कॉस्मेटिक शॉप से ले लेते हैं, वो छोटे वाले नहीं होते ग्लू, और लगाओ उससे तो उसे टाइम नहीं चिपक। बट जो ये वाला है ये मुझे बेस्ट लगा है। ये मैंने मेकअप ट्यूटोरियल में भी करके देखा, और आज ये नेल्स मैंने काफ़ी यू नो दिन के टाइम पे मैंने लगा दिए थे। मैंने देखा कि थोड़ा सा काम करती हूँ, चल कैसे चलते कैसे नहीं चलते, तो अच्छे चले हैं। बट आपको ग्लू की क्वांटिटी आपने थोड़ा सा अच्छी लगानी है, और बस तो फिर अच्छे से अटक रहेंगे। अब हम इन्हें स्टार्ट करते हैं लगाना। तो सबसे पहले आपने इन्हें अपने नेल्स के अकॉर्डिंग सेट करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेल्स लगाने का। तो आप चेक कीजिए कि आपके थंब पे कौन सा फिट बैठ रहा है। इसमें एक छोटा साइज होता है और एक बड़ा साइज होता है। इस तरीके से देख लीजिए, ये वाला फिट बैठ रहा है और पहले वाला जो था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था। वो मेरी जो रूट्स है नेल्स की उनसे थोड़ा सा बाहर आ रहा था, और ये बिल्कुल फिटेड बैठ रहा है। इसी तरीके से दूसरे नेल्स के भी आप चेक कीजिए और लगाइए। आपने ये जो बहुत ही मोस्ट पार्ट होता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा गड़बड़ है, आपने किसी और साइज का चिपका दिया, तो वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। और ये देख सकते हैं, दूसरा वाला बिल्कुल फिट बैठ रहा है मेरी रूट पे, और ये लग भी अच्छे से जाते हैं और आपको चुभते भी नहीं है। और अगर आप कोई अलग साइज का लगाएंगे तो वो आपको चुभेगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, बट इसमें जो ग्लू है ना, ये जो नेल्स हैं ये आपके सालों साल चल जाएंगे, लेकिन ग्लू मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कम पड़ जाता है। तो आप ग्लू अलग से कभी फिर से ऑर्डर मंगा सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी का ही ऑर्डर करें। तो ये मैं अलग से निकाल लूंगी 5 पीस अपने नेल्स को सेट करके। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल फिटेड बैठ रहे हैं। और ये लास्ट पार्ट हो गया, इसके बाद इसे रखेंगे साइड। और ये पांचों नेल्स बिल्कुल रेडी हैं। उसके बाद जो है, आपने अपनी नेल्स की जो रूट्स हैं उन्हें अंदर की साइड प्रेस करना है, ताकि जब आप नेल्स को लगाएं तो वो एकदम फिटेड आपकी नेल्स पे बैठे। तो इस तरीके से आपने प्रेस करना है इसे अंदर की ओर। अगर आप कहीं भी बाहर प्रोफेशनली नेल एक्सटेंशन करवाते हैं, तो वहां भी सबसे पहले आपका यही प्रोसीजर होता है। तो क्यों ना आप इजीली इसे घर पे भी कर सकते हैं, वो भी फ्री में। और ये नेल्स लेना है, और अब इसमें हम ग्लू नहीं, पहले अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो फेक नेल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो बड़े नेल्स में आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, और इनके जल्दी निकलने के, फंसने के चांसेस रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनका साइज छोटा कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें आगे से कट कर लिया है, और फाइलर की हेल्प से इसे फाइल ज़रूर करना है आपने, ताकि ये स्मूथ हो जाए और इससे आपको किसी तरीके का हार्म ना हो। तो इन्हें अच्छे से पहले फाइल कर लीजिए, पहले ही करना है, क्योंकि लगाने के बाद ये निकल सकते हैं।
अब आपने ग्लू लेना है। सारे नेल्स को मैंने कट करके उनकी अच्छे से सेटिंग कर ली है, फाइल कर लिया है उन्हें, और अब ग्लू लगाना है और अच्छे से इन्हें अब प्रेस करके इन्हें फिट कर देना है नेल्स पे। इस तरीके से आपने सारे नेल्स को लगा लेना है। सॉरी फॉर दैट कि मेरे जब मैं लगा रही थी नेल्स तो उसकी कुछ क्लिप्स मेरे से मिस हो गई हैं। सो आप इस तरीके से प्रेस करके इन सारे नेल्स को लगा सकते हैं। बहुत ही परफेक्टली ये लगे हैं, जिस तरीके से आप जो सलून में करवाते होंगे ना उन्हें लगेगा कि हाँ यार बिल्कुल परफेक्टली लगे हैं, बट आप इसे घर पे भी इजीली लगा सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने पिंक कलर का नेल पेंट लिया है, नेल पेंट लगाया है, और आप चाहे तो कोई भी अपना फेवरेट शेड या आप जो ड्रेस पार्टी फंक्शन में पहनने वाले हैं वो शेड लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आपको मिलेगा। ये जो नेल एक्सटेंशन है रेडी है, और इसी तरीके से मैं अपने दूसरे हाथ से हाथ पे भी नेल्स लगा लूंगी, और ये बिल्कुल रेडी है। नेल्स नेल पेंट सूख चुका है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसे आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों हाथों पे कर दिया है नेल एक्सटेंशन, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि ये आप घर पे इजीली कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आपका काम चल जाएगा यार। अगर आप किसी शादी पार्टीज में जा रहे हैं या आपका कोई फेस्टिवल में आपको लगाने हैं नेल्स तो आप लगा सकते हैं। बट ध्यान रहेगी ना, अगर आपने 35 से 40 का मिलता है आई थिंक, अगर कहीं ब्यूटी से लेते हैं आप ब्यूटी शॉप से, तो इससे अच्छा तो आप इसी को मंगा लीजिए ऑनलाइन। यू नो जब जो आप वो 45 का लेते हैं उसमें आपको शायद 10 पीसेस मिलते हैं नेल्स, और ग्लू मिलता है वो भी इतना घटिया क्वालिटी का ग्लू रहता है। मैंने एक बार बहुत पहले ट्राई किया था, बट ये जो वाला है बिल्कुल प्रोफेशनली है जो सलून में यूज होता है 100। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। इस तरीके से आप सिर्फ 10 मिनट में आप घर पे कर सकते हैं अपना नेल एक्सटेंशन। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।